गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 4 सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन मीन टेकिंग अवे अ नंबर और क्वांटिटी फ्रॉम अ गिवन नंबर और क्वांटिटी। सबट्रैक्शन का मतलब होता है कि जो नंबर हमें दिया हुआ है उसमें से हम किसी दूसरे नंबर को कट आउट करते हैं तो हमें सबट्रैक्शन मिलता है। सबट्रैक्शन का जो आंसर मिलता है उसको हम किस नाम से डिनोट करते हैं, डिफाइन करते हैं, डिफरेंस। अब हम जैसे कि क्लास सेकंड में पहले भी सबट्रैक्शन करना सीख चुके हैं, आज पहले हम उसे रिवाइज करेंगे। टू डिजिट्स के नंबर को टू डिजिट के नंबर से सबट्रैक्ट करना, 79 में से 34 को सबट्रैक्ट करना है, 9 में से 4 को कट करेंगे 5, 7 में से 3 को कट करेंगे 4। इसी तरह 42 में से 11 को सबट्रैक्ट करना है, 2 में से 1 को कट करेंगे 1, 4 में से 1 को कट करेंगे 3, 4 में से 1 को कट किया 3, आंसर क्या आया 31। ये दोनों सम्स हमने क्या किए थे, सिंपल थे, जिसमें हमें बोरो नहीं करना पड़ा। अब हम सीखेंगे कि अगर स्मॉल नंबर में से बिगर नंबर कट नहीं हो रहा है तो हम बोरो करके कैसे कट करते हैं। फॉर एग्जांपल 87 में 48 को अगर सबट्रैक्ट करना है तो हम वंस के प्लेस पर पहले 7 है फिर 8, 8 जो है वो 7 से बड़ा नंबर है, वो उसमें से कट आउट नहीं होगा, तो ये 7 जो है ये 10 से 1 बोरो करेगा और 7 क्या बन जाएगा 17। 17 में से 8 को कट करेंगे 9। अब 8 ने 1 इसको बोरो दे दिया था इसलिए ये कट होके क्या हो जाएगा 7। 7 में से 4 गए 3। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर 53 में से 25 को सबट्रैक्ट करना है तो हम देख रहे हैं 3 जो है वो स्मॉलर नंबर है और 5 बिगर नंबर है। अब 3 एक 10 से बोरो करेगा, 3 बन जाएगा 13, 13 में से 5 गए 8, 5 ने एक बोरो कर दिया था इसलिए 5 कट होके बन गया 4, 4 में से 2 गए 2। अब हम 3 डिजिट के एग्जांपल्स को देखेंगे। 438 में से सबट्रैक्ट करना है 234, 8 में से 4 कट आउट किया 4, 3 में से 3 कट आउट किया 0, 4 में से 2 कट आउट किया 2। नेक्स्ट 597 में से सबट्रैक्ट करना है 338, 7 जो है वो स्मॉलर नंबर है इसलिए 7 9 से एक बोरो करेगा और वो बन जाएगा 17, 17 में से 8 गया 9, 9 ने एक 7 को बोरो किया था इसलिए 9 कट होके बन जाएगा 8, 8 में से 3 गया 5, 5 में से 2, 3 को कट किया 2, आंसर आया 259। नेक्स्ट एग्जांपल 941 में से सबट्रैक्ट करना है 865, 1 जो है वो स्मॉलर नंबर है वो 4 से 1 बोरो करेगा और 1 बन जाएगा 11, 11 में से 5 गए 6, 4 ने एक बोरो दिया था इसलिए 4 कट होके 3 बन जाएगा, 3 में से 6 नहीं कट हो सकते, 3 इज अ स्मॉलर नंबर तो 9 से ये भी 1 बोरो करेगा और 3 बन जाएगा 13, 13 में से 6 गए 7। अब 9 ने एक बोरो दे दिया था इसलिए ये 8 हो जाएगा, 8 में से 8 गए 0, तो आंसर क्या आएगा खाली 76। अभी जो हमने सबट्रैक्शन सीखे उससे हम लोग एक्सरसाइज 4.1 जो कि रीकैप एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को करेंगे। अब हम नया टॉपिक जो है वो समझेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सबट्रैक्शन। हमने इससे पहले एडिशन में भी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन करी थी, उसी तरह से सबट्रैक्शन में करना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ वी सबट्रैक्ट जीरो फ्रॉम अ नंबर देन आवर डिफरेंस इज द नंबर इटसेल्फ। एडिशन में भी हमने देखा था कि अगर हम किसी नंबर में जीरो को ऐड करते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है। सेम प्रॉपर्टी है सबट्रैक्शन में भी कि अगर हम किसी नंबर में से जीरो को माइनस करते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है। फॉर एग्जांपल 595 में अगर जीरो को सबट्रैक्ट करेंगे तो हमें आंसर
वही सेम नंबर मिलेगा, यानी कि 595। सेकंड प्रॉपर्टी वी, इफ वी सब्ट्रैक्ट अ नंबर फ्रॉम इट्सेल्फ देन द डिफरेंस इज ऑलवेज जीरो। अगर हम किसी नंबर में से सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर हमेशा ऑलवेज हमें ज़ीरो मिलेगा। फॉर एग्जांपल 125 में से अगर हम 125 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर ज़ीरो आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी, इफ वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर देन द डिफरेंस ऑब्टेंड इज द प्रोसेसर ऑफ गिवन नंबर। अगर हम किसी भी नंबर में से वन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा डिफरेंस हमें क्या मिलता है, प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर हम पहले सीख चुके हैं कि किसी भी नंबर में वन को माइनस करने से हमें प्रेडिसेसर मिलता है, जो कि उस नंबर का जस्ट बिफोर वाला नंबर होता है, वही इसकी प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल 164 में से अगर 1 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 163। इस प्रॉपर्टी के बेस पर हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 75 में से हम क्या माइनस करें कि रिजल्ट हमें ज़ीरो मिले, तो सेम नंबर हमें माइनस करना पड़ेगा, यानी 75 में से 75 को माइनस करेंगे। 615 में से 0 को माइनस करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, सेम नंबर 615। 352 में से अगर 352 ही माइनस करें तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, ज़ीरो। 444 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमें प्रेडिसेसर मिलेगा, यानी कि जस्ट उससे पहले वाला नंबर 443। 999 में से अगर 0 को माइनस करेंगे, किसी भी नंबर में 0 को माइनस करेंगे तो इट्सेल्फ वही नंबर मिलता है, यानी कि रिजल्ट क्या मिलेगा, 999। इसके बेसिस पे अब हम एक्सरसाइज 4.2 भी कंप्लीट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।